सो 2019 OnePlus फैंस के लिए काफी एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि OnePlus इस साल कुछ ऐसा करने वाला है जो कि इन्होंने पहले कभी नहीं किया। आपने बिल्कुल सही गैस किया है, OnePlus 7 Pro कंफर्म हो चुका है और इस नए डिवाइस के सभी स्पेसिफिकेशंस भी कंफर्म हो चुके हैं जो कि ऑलमोस्ट 90% तक सही होने वाले हैं। तो अगर आप OnePlus के अपकमिंग लेटेस्ट डिवाइस को खरीदने की फिराक में हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इस वीडियो में आपको इन डिवाइसेस के स्पेसिफिकेशन, फीचर्स, प्राइसिंग एंड रिलीज डेट के बारे में एकदम डिटेल में बताऊंगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। आई नो वीडियो थोड़ी सी बड़ी है बट आई प्रॉमिस इट्स डेफिनेटली वर्थी टू वॉच द फुल वीडियो क्योंकि मैंने इस डिवाइस रिलेटेड हर एक डाउट को क्लियर करने की कोशिश की है जो कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगर आप मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हो यानी कि चैनल पर नए हो तो यार नीचे रेड कलर का एक सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड पास में जो बेल नोटिफिकेशन का आइकन है उस पर भी क्लिक कर दो क्योंकि फ्यूचर में मैं इसी तरह का एकदम मस्त कंटेंट अपलोड करने वाला हूं जो मैं नहीं चाहता कि आप लोग मिस करो। एंड गाइस आगे चल के अगर आपको किसी भी पॉइंट पे वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना भी मत। हर साल अपने दो डिवाइसेस रिलीज करता है, पहले एक स्टैंडर्ड वेरिएंट जैसे OnePlus 6 एंड फिर अगले 6 महीने में उसका एक स्लाइटली अपग्रेडेड वर्जन यानी कि टी वेरिएंट लॉन्च करता है जैसे कि OnePlus 6T। बट इस साल मई 14 को OnePlus 7 के तीन वेरिएंट्स एक साथ लॉन्च करने वाला है जो कि है OnePlus 7, OnePlus 7 Pro एंड OnePlus 7 Pro का एक 5G वेरिएंट। सो द रिलीज डेट इज कंफर्मड एंड OnePlus 7 सीरीज इज लॉन्चिंग ग्लोबली ऑन 14th ऑफ मई। नाउ मूविंग ऑन टू द स्पेसिफिकेशन, OnePlus 7 एंड OnePlus 7 Pro के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द डिस्प्ले। सो OnePlus 7 में आपको 6.4 इंच की ऑप्टिक एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाली है विद अ वाटर ड्रॉप नॉच एग्जैक्टली लाइक OnePlus 6T एंड OnePlus 7 की यह डिस्प्ले फ्लैट रहने वाली है यानी कि कोई भी साइड एजेस से आपको कर्व देखने को नहीं मिलेगा। वही OnePlus 7 Pro में आपको 6.64 इंच की सुपर ऑप्टिक एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी एंड OnePlus 7 Pro में मिलने वाली यह डिस्प्ले कर्व्ड होगी यानी कि लेफ्ट एंड राइट एजेस से यह बिल्कुल Samsung के इन्फिनिटी डिस्प्लेस की तरह ही कर्व्ड होने वाली है और इस डिस्प्ले में आपको कोई भी नॉच या कैमरा कटआउट नहीं मिलने वाला। दैट मींस कि 7 Pro में आपको पॉपअप फ्रंट कैमरा मिलेगा जो कि कैमरा ऐप खोलते ही बाहर आ जाएगा। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि फेस अनलॉकिंग में यह पॉपअप कैमरा कितना क्विकली रिस्पॉन्ड करता है क्योंकि स्टैंडर्ड फ्रंट कैमरा की जगह पहले यह कैमरा पॉपअप होगा फिर ही आपके फेस को डिटेक्ट करेगा एंड मुझे यह थोड़ा सा अटपटा लग रहा है सच बताऊं तो। एनीवेज आपके पास अभी भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट अनलॉकिंग का ऑप्शन है दोनों ही डिवाइसेज में जो कि काफी फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव है तो आप उसे यूज कर सकते हो। वैसे भी फिंगरप्रिंट अनलॉकिंग ज्यादा सिक्योर है फेस अनलॉकिंग के कंपैरिजन में। अब जो सबसे बड़ा डिफरेंस आपको इन दोनों डिवाइसेज में देखने को मिलेगा वो है पिक्सल रेजोल्यूशन। सो OnePlus 7 Pro अब की बार कैरी करेगा एक क्वाड HD प्लस पैनल विद 90Hz रिफ्रेश रेट विच इज जस्ट माइंड ब्लोइंग क्योंकि आमतौर पर आपको 60Hz की डिस्प्ले ही देखने को मिलती है सभी फोन्स में एंड 60Hz का मतलब है आपके फोन की डिस्प्ले एक सेकंड में 60 टाइम्स रिफ्रेश हो रही है। वही 90Hz में ये डिस्प्ले 90 टाइम्स रिफ्रेश होगी एक सेकंड में विच विल मेक अ लॉट ऑफ विजुअल डिफरेंस। जब आप कोई गेम खेलोगे जिसमें आपको अबव 60fps मिलते हैं तो आप इवन स्मूदर गेम प्ले एक्सपीरियंस कर सकते हो। उसके अलावा ओवरऑल यूजर इंटरफेस भी बहुत ज्यादा स्मूद हो जाएगा एज द डिस्प्ले डायनामिकली चेंजेस द रिफ्रेश रेट। सपोज आप कोई गेम खेल रहे हो जिसमें आपको 90fps मिल रहे हैं यानी कि आपका GPU एक सेकंड में 90 फ्रेम्स पर सेकंड आउटपुट दे रहा है पर 60Hz की डिस्प्ले में आप इस 90fps का कोई भी फायदा नहीं होगा क्योंकि ये डिस्प्ले एक सेकंड में सिर्फ 60Hz कैप्चर कर सकता है। मतलब आपको अबव 60fps इस तरह के डिस्प्ले में कोई भी डिफरेंस पता नहीं चलेगा। वही अगर रिफ्रेश रेट 60 से बढ़कर 90Hz हो जाए तो ये डिस्प्ले ज्यादा फ्रेम रेट्स को कैप्चर कर सकता है और विजुअली देखने में भी आपको डिफरेंस साफ साफ पता लग जाएगा। डिस्प्ले प्रोटेक्शन की अगर बात करें तो ये दोनों ही फोन्स गोरिल्ला ग्लास 6 से प्रोटेक्टेड होंगे। अब अगर बात करें कैमरा ऑप्टिक्स की तो OnePlus 7 में आपको ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा, सेम कैमरा सिस्टम जो कि आपको OnePlus 6T के रियर साइड में मिला था। बट OnePlus 7 Pro में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सिस्टम मिलेगा विद अ 48 मेगापिक्सल प्राइमरी लेंस जिसका सेंसर होगा सोनी IMX586 एंड सेकंडली आपको 13 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस भी मिलेगा विद अ 8 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस। दैट मींस कि कैमरा डिपार्टमेंट में OnePlus 7 में आपको कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं मिलने वाला बट अगर आप OnePlus 7 Pro को कंसीडर करोगे तो कैमरा ऑप्टिक्स काफी इंप्रेसिव है एंड आई एम होपिंग कि OnePlus अब की बार अपने इमेज प्रोसेसिंग को थोड़ा और इंप्रूव करे ताकि ये कैमरा सेंसर्स अपने बेस्ट आउटपुट रिजल्ट दे पाए। इन द बैटरी डिपार्टमेंट OnePlus 7 में आपको 60 की तरह ही 3700mAh की बैटरी मिलेगी पर OnePlus 7 Pro में आपको 4000mAh की बिगर बैटरी मिलने वाली है विद USB 3.1 एंड 30W वॉप चार्जिंग सपोर्ट। क्वाड HD प्लस पैनल एंड 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ OnePlus 7 Pro की 4000mAh की बैटरी भी बैकअप के मामले में 60 की बैटरी से पहले दम तोड़ देगी बट आई थिंक 7 Pro में आपको सेटिंग्स में रेजर फोन की तरह ही कस्टम रिफ्रेश रेट को 90Hz से चेंज करके 60Hz करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा ताकि आप बैटरी बैकअप को थोड़ा इंप्रूव कर सको। डिसअपॉइंटिंग फैक्टर यह रहेगा कि OnePlus 7 सीरीज के फोन्स में आपको माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट एंड 3.5mm हेडफोन जैक नहीं मिलेगा और साथ ही में आपको वायरलेस चार्जिंग एंड वाटर प्रूफिंग के लिए IP सर्टिफिकेशन भी नहीं मिलने वाली। बट अब की बार आपको इस डिवाइस में स्टीरियो स्पीकर सेटअप देखने को मिलेगा यानी कि साउंड क्वालिटी में इंप्रूवमेंट बिल्कुल फ्लैगशिप ग्रेड होने वाली है। अब अगर बिल्ड एंड डिजाइन की थोड़ी सी बात की जाए तो OnePlus 7 का डिजाइन एग्जैक्टली 60 की तरह ही होने वाला है यानी कि आप एक नजर में देख के नहीं बता पाओगे कि ये फोन OnePlus 60 है या फिर OnePlus 7 है। बट OnePlus 7 Pro की
भी अपनी अलग छोड़ रहने वाली है क्योंकि इस डिवाइस का फॉर्म फैक्टर काफी हद तक सैमसंग के गैलेक्सी S10 जैसा होने वाला है विद नो बेजल एंड ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप इन द बैक। बिल्ड के मामले में ये फोन ग्लास बैक के साथ आएगा विद मेटल फ्रेमिंग एंड ग्लास बैक भी गोरिल्ला ग्लास 6 से प्रोटेक्टेड होगा। अब अगर फीचर्स की बात करें तो इस फोन में आपको सारे बेसिक सेंसर्स मिल जाएंगे विद ब्लूटूथ 5.0 एंड NFC सपोर्ट। द ओनली थिंग जो आप मिस करोगे अगर आप वन प्लस 6 यूजर हो तो वो है LED नोटिफिकेशन लाइट, बट यू कैन यूज द एम्बिएंट डिस्प्ले फीचर टू चेक योर डिवाइस नोटिफिकेशंस। एंड आउट ऑफ द बॉक्स दिस फोन विल रन ऑन ऑक्सीजन OS 9.0 जो कि बेस्ड है एंड्रॉइड 9 यानी कि पाई पे, एंड फ्यूचर में आपको एंड्रॉइड क्यू का अपडेट भी बहुत ही जल्दी मिल जाएगा तो आप OS फंक्शनलिटी एंड एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैचेस के साथ हमेशा अप टू डेट रहोगे। अब कोर हार्डवेयर डिपार्टमेंट में आप डाउट कर ही नहीं सकते कि इसमें आपको क्वालकॉम का लेटेस्ट चिप ना मिले, तो प्रोसेसर आपको स्नैपड्रैगन 855 मिलेगा। और फाइनली अगर इस डिवाइस के रैम वेरिएंट एंड प्राइसिंग की बात की जाए तो वन प्लस 7 में आपको 3 बेसिक वेरिएंट्स मिल सकते हैं, 6GB रैम प्लस 128GB रोम। सेकेंडली यू विल गेट 8GB रैम एंड 128GB रोम वेरिएंट, एंड फाइनली यू विल गेट 8GB रैम एंड 256GB रोम वेरिएंट। अब क्योंकि वन प्लस 7 और वन प्लस 6T में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस प्रोसेसर आपको नया मिलता है, तो वन प्लस 7 की कीमत वन प्लस 6T जितनी ही होने वाली है, यानी कि वन प्लस 7 की प्राइस रेंज स्टार्ट होगी 37,999 इंडियन रुपीज से। बट वन प्लस 7 प्रो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होने वाला है एंड क्लियरली अब ये डिवाइस फ्लैगशिप किलर नहीं है क्योंकि अब ये डिवाइस खुद फ्लैगशिप रेंज में चला गया है और इसमें आपको 6GB रैम वर्जन भी देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि वन प्लस 7 प्रो में आपको 8GB रैम प्लस 256GB रोम वेरिएंट एंड 8GB रैम प्लस 512GB रोम वेरिएंट देखने को मिल सकता है। एंड साथ ही में इसमें आपको एक एड ऑन 10GB वाला रैम वर्जन भी देखने को मिल सकता है जिसकी प्राइस स्टार्ट होगी 48,999 इंडियन रुपीज से। एंड वन प्लस 7 प्रो के 5G वर्जन की प्राइस भी 8GB रैम एंड 256GB रोम के साथ अप्रोक्सीमेटली 55,000 इंडियन रुपीज होने वाली है, पर ये 5G वेरिएंट इंडिया में लॉन्च नहीं होने वाला। सो यहाँ पे OnePlus ने काफी अच्छा स्मार्ट वर्क किया है क्योंकि बहुत सारे यूजर्स कंप्लेन कर रहे थे कि इनके डिवाइसेज में फ्लैगशिप ग्रेड फीचर्स लैग करते हैं, तो फाइनली OnePlus ने OnePlus 7 Pro में इन सारे फीचर्स को ऐड कर दिया है। हालांकि अभी भी बहुत सारे फीचर्स मिसिंग हैं जैसे कि IP सर्टिफिकेशन, वाटरप्रूफिंग, हेडफोन जैक वगैरह वगैरह, बट ये सारी चीजें अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि OnePlus में डैश चार्जिंग ऑलरेडी बहुत ज्यादा फास्ट है, तो ऐसे में OnePlus नहीं चाहता कि वो उसमें वायरलेस चार्जिंग ऐड करके प्राइस को बढ़ा के लाइक स्लो चार्जिंग को इंप्लीमेंट करे। उसके अलावा IP सर्टिफिकेशन पॉपअप कैमरा के साथ काम नहीं कर सकता, तो यहां पे आपको वाटरप्रूफिंग भी नहीं मिलेगी। 3.5mm हेडफोन जैक को उन्होंने OnePlus 60 से ही हटा दिया था क्योंकि उन्होंने इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर को इंप्लीमेंट किया था, तो जो 3.5mm हेडफोन जैक है उसका जो स्पेस है वो इसके इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट ऑप्टिकल सेंसर ने ले ली थी। बट इस डिवाइस में बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स भी हुई है, डिस्प्ले, बैटरी बैकअप एंड ओवरऑल इसका जो फॉर्म फैक्टर है उसमें भी आपको बहुत सारे नए चेंजेस देखने को मिलेंगे। बट OnePlus 7 मुझे यहां पे एक कंप्लीटली डिसअपॉइंटमेंट लग रहा है क्योंकि इस डिवाइस में कोई भी खास अपग्रेड नहीं हुआ है सिवाय प्रोसेसर के, तो अगर आप OnePlus 6 या फिर 6T यूज कर रहे हो तो ऐसे में OnePlus 7 में अपग्रेड करने का आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। बट अगर आप OnePlus 7 Pro को अफोर्ड कर सकते हो देन आप उसे एक वर्दी अपग्रेड कह सकते हो, बट अगेन जो प्राइस रेंज है वो एक फ्लैगशिप किलर की रेंज को क्रॉस कर चुकी है एंड अब ये डिवाइस फ्लैगशिप रेंज में ही कंसिडर होगा। हालांकि प्राइस थोड़ी सी कम है एज कंपेयर टू सैमसंग या फिर आईफोन के फ्लैगशिप्स, बट स्टिल प्राइस 48 यानी कि लगभग 50 के आसपास पहुंच गई है, तो हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर पाएगा। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। एंड कमेंट में गाइस मुझे ये जरूर बताना कि अगर आप OnePlus 6 या फिर OnePlus 60 यूज कर रहे हो तो ऐसे में क्या आप OnePlus 7 में अपग्रेड करोगे या फिर OnePlus 7 Pro खरीदोगे। हालांकि जो स्नैपड्रैगन का 855 CPU है ये माना जा रहा है कि इसके प्रीवियस जेन यानी कि 845 CPU से 40% बेटर है परफॉर्मेंस के मामले में, बट इन हैंड एक्सपीरियंस आपको इस डिवाइस के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। तो मैं इस डिवाइस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो भी अपकमिंग इन्फॉर्मेशन है वो